हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। द एविजेड एकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक शानदार जानदार और आपके काम की वीडियो। और ये वीडियो मैंने बनाई है NIS ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें एग्ज़ाम देना है NIS ओपन बोर्ड से 12th क्लास का, और सब्जेक्ट ले रखा है बिजनेस स्टडी यानी के व्यावसायिक अध्ययन, जिसका पेपर कोड है 319। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं अप्रैल सन 2021 के अंदर या फिर अक्टूबर सन 2021 के अंदर, तो फिर आप लोगों को एक ट्यूटर मार्क असाइनमेंट बनाकर अपने अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवाना होगा। असाइनमेंट के आपको मिलेंगे 20 मार्क्स, मैक्सिमम आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और ये जो आपका शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र है, इसे अप्रैल वाले बच्चे जमा करवाएंगे। लास्ट डेट है उनकी 31 जनवरी। और जो बच्चे पेपर देंगे अक्टूबर सन 2021 के अंदर, उन बच्चों की असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई। तो चलिए फटाफट मैं आप लोगों को आपके काम की चीज़ दे देता हूँ। अगर आप हमारी वीडियो देखकर अपना असाइनमेंट तैयार करते हैं, तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप लोगों को आराम से 18-19 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा असाइनमेंट है वो हमारे एक्सपर्ट टीचर द्वारा तैयार किया गया है। और जो है हमारे सभी जो टीचर हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं और बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो आप जो है बस करना क्या है आप लोगों को कि एक सुंदर सा पेज लेना है A4 साइज का, और उसके अंदर सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको जो है अपना असाइनमेंट बनाना है। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन अगर आपकी होगी, उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले बच्चों, आप लोगों को एक असाइनमेंट में टोटल 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और आपको इन सभी 6 क्वेश्चन को अच्छे से प्रेजेंट करना होता है। और ज़्यादा कुछ डेकोरेशन करने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन अगर आप कोई कलर पेन से लिखना चाहते हैं, डेकोरेशन करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। वैसे आप अगर बिना किसी कटिंग के ब्लैक और ब्लू पेन से भी लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका दोस्त सुमित एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, इसलिए वह व्यावसायिक जोखिम और उनके कारणों के बारे में जानने में रुचि रखता है। उसे व्यावसायिक जोखिमों का अर्थ और कारण बताइए। तो ये लीजिए आंसर, हमने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन दी है, उसके बाद थोड़ा सा उसका जो है प्रकृति बताया है, और फिर फाइनली हम यहाँ पर इसके कारणों की बात करने आ गए हैं। यहाँ पर इसके कारण को देखिए, हमने पॉइंट वाइज लिखा है, आप भी पॉइंट वाइज ही लिखेंगे। एक बात आप लोगों को प्यारे बच्चों और याद रखनी है, YouTube पर और भी बहुत सारे फेक चैनल हैं जो आप लोगों को TMA प्रोवाइड करवाने की गारंटी देते हैं, लेकिन प्लीज़ आप उन असाइनमेंट को उतार कर अपना असाइनमेंट कंप्लीट मत कीजिएगा, क्योंकि जो है उनके जो आंसर होते हैं वो 90% जो है वो रॉन्ग होते हैं, क्योंकि जो टीचर उनके असाइनमेंट बनाते हैं वो एक्चुअल में खुद 10वीं 12वीं फेल होते हैं। तो वो आप लोगों के लिए क्या मेहनत करेंगे। और हमारा चैनल जो है वो पिछले 8 से 10 सालों से इसी काम में लगा हुआ है और निरंतर आप लोगों की सेवा कर रहा है। तो प्लीज़ आप जो है अपना फ्यूचर अपने हाथ में होता है, तो आप उसको प्लीज़ बर्बाद मत कीजिएगा। यहाँ पर आंसर देखिए लिख रखा है, सेकंड पॉइंट आ चुका है, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, और फिर उसके बाद मानवीय कारण। ये सारे जोखिम होते हैं एक व्यापार के अंदर। अगर आपको कोई शब्द समझ में ना आए तो आप प्लीज़ हमसे पूछ लीजिए लीजिएगा। फटाफट प्रश्न 2, इसका बी वाला हमने सॉल्व किया है। आप चश्मों के सफल व्यापारी हैं, आपने अपने दोस्त से ई बिजनेस के बारे में बहुत सुना है, अब आप ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं। ई व्यवसाय के सफल कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का पता लगाएं। तो ये देखिए आंसर हमने लिख दिया है। जैसा कि आप सभी बच्चों को भी पता है कि ई बिजनेस का जमाना है, और हम ज़्यादातर अपने घर के सामान, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये सभी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन परचेज करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक तो उसे रिटर्न करने में बड़ी आसानी होती है, दूसरा जो है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन जो प्राइस है वो बहुत कम होता है, और हमें सेलेक्ट करने की, आइटम को सेलेक्ट करने की जो है पूरी फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पर वेबसाइट देखिए पहला ऑप्शन है, उतार लीजिए। सेकंड वाले का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। और जब भी आप कोई क्वेश्चन अच्छे से लिखें, तो उसका देखिए आप कोशिश कीजिए उसको प्रेजेंट करने की। जैसे मैंने देखिए इस क्वेश्चन को डायग्राम के माध्यम से, पिक के माध्यम से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि देखिए जब आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आपको एक स्टोर की ज़रूरत पड़ती है, फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, आप लोगों को सेल भी लगाना पड़ता है, आपको शिपिंग भी करनी पड़ती है। तो इस तरीके का हमने ये डायग्राम
पिक्चर जो है यूज़ की है। देखिए होम शॉप 18 है, मंत्रा है, स्नैपडील है, इस तरह के हमने इन चीज़ों के माध्यम से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये रहा, देखिए हमें एक अच्छे कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, हमें शिपिंग करने के लिए एक अच्छे कॉरियर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद अच्छे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने जो है पिक्चर्स का यूज़ किया है। आप इन पिक्चर्स को ज़रूर पेस्ट करें तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि सर हम इस पिक्चर को कैसे पेस्ट करेंगे, हमारे पास तो नहीं है, तो फिर आपको मैं आप बता देता हूँ कि इसके लिए आपको इसकी PDF फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बाद आप जो है इसका प्रिंटआउट निकलवा कर इसकी कटिंग करके आराम से अपनी फाइल में पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा सवाल अब आप पूछेंगे सर PDF कैसे मिलेगा, तो आप फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में जाइए और हमसे कमेंट करके पूछ बताइए कि सर आपको PDF लेना है, तो हम आपके जो है उस सवाल का जवाब ज़रूर देंगे और आपको PDF प्रोवाइड करवाएंगे। PDF लेने के लिए आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, 7678769614। तो उस पर अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको जो है ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। उतार लीजिए इसे अच्छे से, और आंसर आप जो है इतना छोटा भी ना लिखें कि आपका पूरा असाइनमेंट 2-3 पेजों में ही आ जाए, कम से कम एक असाइनमेंट 10 पेजों का तो होना ही चाहिए, जिससे कि चेक करके लगे यार बच्चे ने मेहनत की है। और जितने अच्छे डायग्राम का यूज़ करेंगे, पिक्चर्स का यूज़ करेंगे, तो आपको नंबर भी इतने ही अच्छे मिलेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी असाइनमेंट चाहिए तो प्लीज़ आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर बताएं। नंबर मैंने आपको दे ही दिया है, 7678669614, और उस पर आप मैसेज कर लें, कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको जो है पूरी हेल्प की जाएगी, आपको सभी क्वेश्चंस जो है दिए जाएंगे असाइनमेंट्स के, और आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चनों के आंसर आपको पार्ट 2 के अंदर मिल जाएंगे। पार्ट 2 में बना कर दूंगा आपको जब जब आप इस वीडियो को 1000 लाइक तक जो है पहुंचा देंगे। जैसे ही इस वीडियो पर 1000 लाइक आएंगे, मैं आप लोगों को पार्ट 2 बना कर दे दूंगा, और उम्मीद करता हूँ आप ये काम बहुत जल्द कर देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और जो है शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनका आप भला चाहते हैं।